Okay, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. Okay, in this video I'm gonna talk about कुछ universities जो मतलब आपको attractive लगती हैं बाहर से, but उनमें आपको admission नहीं लेना चाहिए क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा जाते हैं. बाहर से attractive हैं ऐसे उनका पढ़ाई या फिर quality of education, ranking, कुछ भी placement और कुछ अच्छा नहीं है. देखो अब मेरे में से कुछ चीजें बहुत क्लैरिफाई करूंगा. कुछ कॉलेज में से कुछ कोर्सेज के लिए ठीक है, कुछ कोर्सेज के लिए नहीं है, तो वो भी क्लैरिफाई करूंगा. इस वीडियो को एंड तक देखना. ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि इसमें यार हर्षित इसमें एडमिशन ले लूं मिल रहा है और कहीं नहीं बचा, ऑप्शन ले लूं नहीं ले लूं. सोचा आपको बता देता हूँ यार मत करो गलती, ठीक है, मिस्टेक. तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. नंबर वन, LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हतै. तो ऑनेस्टली मैं ये कॉलेज तो किसी को रिकमेंड ही नहीं करता हूँ. आपका मतलब आपका BBA, BCom ऑनर्स या कॉमर्स साइंस जितने भी कोर्स है किसी के लिए नहीं करता हूँ. इंजीनियरिंग के लिए अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो भाई ठीक है, प्राइवेट है, आपको कुछ ना कुछ दिलवा देगा वो है. बट आप अगर BBA, BCom ऑनर्स ये सब कॉमर्स फील्ड से हो, आर्ट्स फील्ड से हो, तो भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, मत जाना, बहुत बड़ी गलती है. LPU तो बिल्कुल ही मत जाओ, नॉट वर्थ इट. एक तो सिटी के बहुत बाहर है, ऐसे कुछ क्रेजी प्लेसमेंट वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है. ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज, ठीक है यार. बहुत प्रमोशंस करवाते हैं वो, सब कुछ है उनका, बट ऑनेस्ट अगर बताऊँ तो नॉट वर्थ इट है. वो इतना पैसा देना कोई सेंस नहीं बनाता है. फिर आपका सेकेंड नंबर पर जो आता है एमिटी आता है. एमिटी, अब देखो एमिटी इंजीनियरिंग वगैरह के लिए ठीक है, नॉट बैड, ठीक है, वो प्लेसमेंट वगैरह ठीक करवा देते हैं. बट मैं कॉमर्स वगैरह के आपके मैग्नेट कोर्सेज के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा. बहुत लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल ही लास्ट है तो रख लो, बट मैं तो बोलता हूँ भाई उसमें आप पैसा दे रहे हो, उससे अच्छा आप थोड़ा जो मैनेजमेंट सीट होती है उसमें पैसा देके अच्छे कॉलेज में ले रहे हो. आपका पैसा सेम जाता है, कॉलेज का डिफरेंस हो जाएगा, तो वही सीन है. तो एमिटी तो आई डोंट रिकमेंड इतना ज्यादा इन कोर्सेज के लिए. इंजीनियरिंग है तो ठीक है, बट कॉमर्स वगैरह मैनेजमेंट के लिए इतना रिकमेंड नहीं करता मैं. अगर कोई मैनेजमेंट सीट आपको चाहिए तो आप लाइक मैं नहीं करवाता हूँ, बट आपको बता दूंगा क्या प्रोसेस है. काफी लोग पूछते रहते हैं तो आपको बता दूं क्या प्रोसेस है, क्या अमाउंट रहता है. तो आप मुझे DM कर दो जितने भी कॉलेज टॉप के, आपका इंजीनियरिंग के लिए, आपका कॉमर्स वगैरह के लिए, MIT, BA, NM, SIMBA, SCA, NM वगैरह जितना, सबका बता दूंगा मैं, ठीक है, आप DM कर सकते हो. तो थर्ड नंबर पे भैया रहेगा आपका बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि काफी अभी 4-5 साल से बहुत हिट हो रही है. लोग बोल रहे हैं इसमें अच्छा है ये, वो काफी लोग एडमिशन ले लेते हैं. कि आपका नोएडा में ही है, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है यार. तो ये देखो इतने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है, प्रमोशन की है, टाइम्स ग्रुप की है, तो उनका पैसे की कमी नहीं मार्केटिंग कर रहे. बट एज इज रैंकिंग या फिर आपका कुछ वर्थ इट नहीं है, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको. मतलब प्लेसमेंट वगैरह भी कुछ नहीं है ऐसा क्रेजी, फिर आपकी फीस भी ज्यादा जाती है, क्राउड वगैरह भी बहुत अच्छा तो आता नहीं, क्योंकि सब जो अच्छा क्राउड है NMIMS, DU, CRIC वगैरह चले जाते हैं. ऑनेस्टली SIMBA, ISIL वगैरह जो अच्छे कॉलेज है, NMIT, इन सब में रेवियर्स भी हो गया, एक बेनेट यूनिवर्सिटी भी हो गया, जब बोलोगे भैया नहीं कंसीडर मत करो, ठीक है. नंबर पे आता है OP जिंदल. अब OP जिंदल के लिए देखो क्लैरिफाई करना, देखो OP जिंदल आपको लॉ मिल रहा है, वन ऑफ द टॉप है, लॉ के लिए चले जाओ, ठीक है. पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, आपको NLU वगैरह नहीं मिल रहा है तो लॉ के लिए आप कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट आपका बिजनेस कोर्सेज, आपका कॉमर्स कोर्सेज के लिए भैया मत करो, पैसा बर्बाद है, बहुत फीस है, एंड नॉट वर्थ इट, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है. एक तो सिटी के बहुत बाहर है, क्राउड भी ऐसे कुछ नहीं है, मतलब कि बहुत आपका सब पढ़ने वाले सब एलीट क्राउड है, पैसे इतने अच्छे आते हैं, बट सब नशे वशे चलते हैं, वो सब होता है. तो लॉ मिल रहा है, ठीक है, मान सकते हैं टॉप का है, बट ये कॉमर्स बिजनेस कोर्सेज सिर्फ लोग ब्रांड नेम OP जिंदल सुन के चले जाते हैं, बड़ा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये वो भैया थोड़ा सेंसली सोचोगे तो नहीं है अच्छा. रैंकिंग वगैरह भी कुछ नहीं है ऑनेस्टली, प्लेसमेंट वगैरह भी कुछ नहीं है, पैसा बहुत देते हैं, नॉट वर्थ इट अकॉर्डिंग टू मी. सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताना चाहूंगा, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, एक नहीं कुछ है. एक तो BML मुंजाल काफी चल रही है, फिर शिवनादर होगी, फिर आपका भैया मणिपाल होगी, वो भी जयपुर वाली स्पेसिफिकली. तो ये सब देखो कॉलेजेस नॉट वर्थ इट. मैनेजमेंट बिजनेस कोर्सेज के लिए बिल्कुल नहीं है वर्थ इट भाई, भैया मत करो, पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट नहीं है ऐसा है. देखो अब कुछ कॉलेज ना अपनी फील्ड में, जैसे मणिपाल आपका है मेन कैंपस, वो भी नॉट जयपुर, मेन कैंपस इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है. एंड ये MIT वगैरह भी इंजीनियरिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में कैसे भी करके प्लेसमेंट दिलवा देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है. तो लोग के पास ऑप्शन नहीं बचता इंजीनियरिंग में, तो इन प्राइवेट में जाते हैं, ठीक है, कुछ तो प्लेसमेंट मिलेगा. बट बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए नॉट वर्थ इट, ठीक है. एंड मणिपाल मेन मिल रहा है तब ठीक है, 1% कुछ ऑप्शन ही कंसीडर करो, बट मणिपाल जयपुर मिल रहा है, नॉट वर्थ इट. शिवनादर नहीं भैया, फिर BML मुंजाल ये सब मत करना कंसीडर. तो बस यही थी वीडियो में, मैंने जितने कॉलेज बताए भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज गलती मत करो, क्योंकि काफी लोग मिस्टेक्स कर रहे थे इस ईयर, लास्ट ईयर में किया, सोचा बता दूं, वीडियो बना दूं. एंड लोग अगर आगे भी देखेंगे अपकमिंग ईयर्स में तो प्लीज ये देख लो कि एटलीस्ट फॉर बिजनेस मैनेजमेंट इस फील्ड के लिए, आर्ट्स वगैरह फील्ड के लिए ये कॉलेज मत करना कंसीडर, ठीक है. सब कॉलेज अपनी फील्ड में अच्छे, लॉ के लिए ओपन अच्छा है तो अच्छा है, बट बाकी कोर्सेज के लिए नहीं है.
तो यार दैट्स इट. तो आई होप गाइस आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है, तो भी लाइक कर देना एंड इफ यू चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ. ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आते हैं, कॉलेज वगैरह जो भी स्टडी अब्रॉड का कंटेंट भी आ रहा है, ब्लॉग्स वगैरह भी आते रहते हैं, बहुत कुछ आ रहा है चैनल, एंटरटेनमेंट एजुकेशन दोनों मिलेगा, सो डू सब्सक्राइब राइट नाउ. तो बस चैनल एक वीडियो में, सो गाइस चैनल स्टे हैप्पी स्टे सेफ.